हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे फिर से एक नए ब्लॉग पर। तो अभी देख सकते हैं इधर मुक्कू और हम हैं, और अभी हम लोग बीच रोड में खड़े हुए हैं। कौन सी जगह में खड़े हुए हैं? ये कौन सी जगह? उनका नहीं पता, जो नहीं पड़ता होगा ना। देख सकते हैं यहाँ पे एक मूर्ति लगा हुआ है इधर बगल में, और पोस्टर लगा हुआ है सीता फॉल और जूना फॉल का। तो अभी हम लोग फिलहाल जाने वाले हैं सीता फॉल। तो चलिए अभी हम लोग यहीं पर से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का रास्ता वास्ता और सीता फॉल। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए गाइस। तो चलिए हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, और चलिए यहाँ से आप लोगों को यहाँ का सीन वन दिखाते हैं। तो अभी हम लोग उतर रहे हैं ये वाला रोड। तो देख सकते हैं यहाँ का रोड कितना ही साफ और सुंदर। गाइस, तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सीता फॉल के काफी ज्यादा करीब में, और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बोर्ड लगा हुआ है, सीता जलप्रपात में आपका स्वागत है, दूरी 0.1 किलोमीटर, और एक सीता माता के पद चिन्ह का मंदिर जो कि यहाँ पे बगल में आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए आगे में। तो चलिए यहाँ से और ज्यादा दूर नहीं है, तो चलते हैं हम लोग। अभी फिलहाल सीता फॉल के लिए निकले हैं, तो चलते हैं आगे, और देख सकते हैं यहाँ से पूरा घाटी खतरनाक वाला जो कि स्टार्ट होता है यहाँ से। तो चलिए आप लोग को दिखाते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं गाइस। तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर पहुँचने के बाद बारिश भी स्टार्ट हो चुका है, तो फिर भी धूप वाला बारिश है। तो चलिए अभी हम लोग चुके हैं सीता फॉल के यहाँ पर, और इधर अभी मुक्कू गए हैं टिकट लेने के लिए, और इधर हम लोग का बाइक। तो चलिए टिकट कटाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे गाइस। तो अभी हम लोग फाइनली पहुँच चुके हैं सीता फॉल, और यहाँ पे हम लोग पीछे में बाइक वगैरह पार्किंग कर दिए हैं, और इधर देख सकते हैं सीढ़ी उतरना स्टार्ट कर दिए हैं। चलिए अभी चलते हैं नीचे, और नीचे चल के आप लोग को दिखाते हैं सीता फॉल का नजारा। और यहाँ पे हम बहुत दिनों के बाद आए हैं, लगभग नहीं पे भी 7 साल से 8 साल हो गया होगा, और हम फर्स्ट टाइम, और ये कार्टून फर्स्ट टाइम आई है। हम आए थे बचपन में फुआ लोग के साथ पैदल पैदल 20 किलोमीटर जैसा चल के पैदल, और आज आए हैं बहुत दिनों के बाद बाइक से दोनों। तो चलिए चलते हैं अभी नीचे, पानी की आवाज़ तो आ रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा सुनने में। चलिए अब जल्दी जल्दी नीचे चलते हैं। अभी फोन मेरे पास आ चुका है क्योंकि ब्लॉगिंग करने का जिम्मेवारी मेरा है, और झोला उठाने का जिम्मेवारी मेरा है ना। हाँ तो का टूटेगा, अच्छा से पकड़िए गाइस। तो देखिए झोला टांगने में ना, हाँ वो हमको भी देख रहा है गाइस। तो हम लोग को यहाँ से ही पानी दिख रहा है, क्या आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख ही रहा होगा, इतना भी जूम करके आप लोगों को दिखाते हैं। जूम करके कोई नहीं देखेगा, अभी हम लोग पास जाके दिखाएंगे गाइस। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर जगह जगह पर कूड़ेदान भी है, सूखा कचरा आप डाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ कचरा नहीं है डालने के लिए। तो चलिए बहुत ही मजा आने वाला है, शायद लगता है बहुत ही ऊंचा भी है, नीचे में काफी लोग आए हुए हैं पहले से गाइस। तो अभी हम लोग सीता फॉल के बहुत ही करीब आ चुके हैं, और इधर से देख सकते हैं नजारा कितना ही सामने दिख रहा है, और नीचे तो चलिए नीचे जाके दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी हम लोग एकदम पूरा नीचे आ चुके हैं, पूरा मतलब पूरा नीचे आ चुके हैं, और इधर शायद पानी आ था पहले, मुकू बोल रहे हैं कि जब छोटा टाइम आया था उस टाइम इधर बहुत सारा पानी था, लेकिन अभी देख सकते हैं एकदम कम है क्योंकि इस बार उतना बारिश भी नहीं हुआ है इसलिए।
और चलिए अभी यहाँ पर स्टेज बना हुआ है, वहाँ चढ़ते हैं हम लोग यहाँ का नज़ारा देखने के लिए। और देख सकते हैं कितना सुंदर, और देख सकते हैं बैग को कैसे रख रहे हैं। Yeah, boy. प्यार मांगा है तुम ही को। फोटो थोड़ी खींच रहे हैं हम। गर्मी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। सीढ़ी उतरते उतरते सभी थोड़ा पसीना पसीना हो गए हैं। नहा लीजिए। और शायद आप लोग को पानी का आवाज से मतलब वॉइस थोड़ा अच्छा सुनाई नहीं दे रहा होगा, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। चलिए आप लोगों को फिलहाल यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाने की कोशिश करते हैं हर एक एंगल से। क्या आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताओ। क्या सीन है, वह क्या सीन है गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कितना सुंदर व्यू लग रहा है देखने में, और गर्मी तो इतना ज्यादा लग रहा है, देख के धूप अभी कैसा निकल गया है। थोड़ा देर पहले यहाँ पे बारिश हो रहा था, है ना, रास्ता हम लोग को मिला था। जस्ट 5-10 मिनट के बाद तो ऐसा धूप निकल गया कि क्या ही बोले। और साथ में अगर आप लोग को दिखा दे कि इधर देख सकते हैं चट्टान वगैरह में लिखा हुआ है नो स्मोकिंग जोन, नो ड्रिंकिंग जोन, और क्या क्या मतलब शराब पी कर इधर ना जाए उधर ना जाए, सबका बोर्ड लगा हुआ है देखिए। क्योंकि बहुत ज्यादा पत्थर सब है यहाँ, पत्थर है तो कभी भी दुर्घटना हो सकता है ना। सब पानी ऊपर से आ रहा है देखिए उधर से, और जा रहा है इधर नीचे। बाकी उधर भी आगे भी देखिए लगा हुआ है डेंजर का साइन, उधर नहीं जाना है, लेकिन फिर भी आदमी लोग आता है तो नहाने के लिए चल जाता है, तो यही सब साइन देख के आदमी को नहीं जाना चाहिए। बात तो सही है। तो चलिए गाइस थोड़ा सा छाया में बैठते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है कि पूछिए मत। अभी तुरंत बारिश हुआ देख सकते हैं पानी, और अभी इतना ज़्यादा धूप कर दिया तो चलिए थोड़ा सा छाया में बैठते हैं, इसके बाद बताते हैं गाइस। तो अभी हम लोग यहाँ पे घूम लिए सब तरफ से, पूरा देख लिए नज़ारा वगैरह, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमको तो, मज़ा आ गया। और तुमको कैसा लगा? हमको भी गाइस बहुत ही मज़ा आया, और हम फर्स्ट टाइम आए थे तो हमको बहुत ही अच्छा लगा, और शायद इसका व्यू बहुत ही अच्छा है, सोनापुर से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। बस यहाँ पे दुकान वगैरह का सुविधा नहीं है अभी तक, बस वही दिक्कत है। और फोटो क्लिक कराने के लिए आपको अपने से जगह बनाना पड़ता है, वहाँ पे तो है फोटो यहाँ का व्यू उससे ज्यादा बेटर है। और सोनापुर सीतापुर के सामने ही है, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग को बता दे, तो यहाँ के लोग तो जानते ही होंगे कि सीतापुर और सोनापुर दोनों एक ही जगह है। तो मजा आया ना। हम चना लेके आए हुए थे, लेकिन पता नहीं था कि हम लोग सीताफल जाएंगे, तो फिर चना लाया तो वो काम भी आ गया, तभी हम लोग छाया में बैठे हुए हैं, तो चना को खा के यही ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए खाते हैं सबसे पहले। गाइस तो अभी हम लोग बैठे हुए थे यहाँ पे, और चना वना खा रहे थे, इधर देखिए बैठी हुई है खा भी रही है कार्टून। और इधर देखिए आप अभी आप लोग को दिखाए थे, अभी भी दिखाते हैं आप लोग को, देखिए क्या लिखा हुआ आगे, मौत बुला रही है। आप लोग शायद दिख रहा होगा, बलर बलर दिख रहा होगा, है ना। और देखिए इधर लोग कहाँ जा रहा है, क्या बोलिएगा। अब इसमें गलती किसका है बताइए आप लोग, जानबूझ के पढ़ा लिखा हो के, देखिए वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और लिखा हुआ है मौत आपको बुला रही है, ये लोग और भी आगे जाते ही जा रहे हैं। तो बस आप लोग आइए, और ये सब जितना भी पर्यटन स्थल है सब जगह आप लोग आइए, लेकिन बस आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग नियम का ही पालन कीजिए, जो वहाँ पर सुझाव आप लोग को दिया जाता है सारी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ सोच विचार करके ही लिखा हुआ रहता है ना मोटू। इसलिए देखिए हम लोग इधर साइड में बैठने के लिए बनाया हुआ है चबूतरा, उससे बैठे हुए अभी फिलहाल हम लोग, इसके बाद हम लोग उधर जाएंगे फोटो शूट वगैरह करेंगे और निकल जाएंगे। गाइस अभी हम चना वगैरह सब खा लिए हैं, और मुझको देख रहे हैं अभी अकेले अकेले फोटो खिंचा रहे हैं, लेकिन अकेले वाला फोटो तो रहने वाला है नहीं फोन में। आना तुम ही जाओ। तो चलिए अभी सेल्फी वगैरह लेते हैं, फोटो वोटो क्लिक करते हैं,
उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए अभी फोटो क्लिक करते हैं। तो अभी हम लोग पूरा घूम लिए और आ गए हैं यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है सीता फॉल। और देख सकते हैं आप बड़ा सा बोर्ड में लिखा हुआ है, बैनर लगा हुआ है सीता फॉल। और इधर लोगों को देख सकते हैं बस फोटोग्राफी। और बादल भी देख सकते हैं, पूरा अंधेरा कर दिया, पता नहीं बारिश भी होने वाला है शायद। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। अभी तो पूरा मजा हम लोग ले लिए हैं, अभी हम लोग का मजा लेने वाला है ये सीढ़ियाँ। हाँ, क्योंकि बहुत ऊंचा है गाइस। अभी तो इतना चढ़ते ही हम लोग का हालत खराब हो चुका था, फिर भी अब तो धूप अभी कम हुआ, लेकिन बारिश भी आ सकता है, हम लोग का मौसम भी मजा ले सकता है। चलिए जल्दी जल्दी ऊपर चलते हैं हम लोग, थोड़ा बोरिया बिस्तर पकड़ लिए भाई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। चलिए हमको भी उठा लीजिए थोड़ा साथ में, बैग के साथ में। गाइस तो देख सकते हैं मुकु का हालत, हमको उठा के इसको उठाने बोले तो देख रहे हैं। देख रहे क्या, आधा से भी चढ़ा दिए गाइस, इतना जोर बोझा तक तो हम ही टांगे हैं गाइस। इतना बड़ा बोझा तो हम दोनों को। खाली ब्लॉग बनाने के चलते हमको बस पांच को गिन के पांच को सीढ़ी पर चढ़ाया है, 7, 8, 10, 20, 25 सीढ़ी चढ़ाया है। ऊपर से बैग का बोझा भी बहाना में हमको धरा दिए, बस हो गया। सीतापुर को एंजॉय किए और बहुत ज्यादा हम लोग थक गए ऊपर जाते आते। अभी फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं अपना बाइक जिस जगह पे पार्किंग किए थे उस जगह पे, इधर देख सकते हैं हम लोग का बाइक लगा हुआ। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से निकले हैं, सीतापुर कहते हैं बाय बाय और मिलते हैं हम लोग जल्दी किसी नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब आप सभी को बाय बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।